दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री अयोध्या में 42 करोड़ की लागत से बनने वाली 101 आंतरिक सड़कों का शिलान्यास करेंगे। नगर निगम द्वारा दलित व गरीब बस्तियों में दीपक वितरित किया जाएगा। अयोध्या के पौराणिक कुंडों को भी दीपकों से प्रकाशित किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव के आयोजन के आसपास टाटा कंपनी द्वारा बनाए गए 85 बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। इसके साथ में कई स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। पूरे आयोजन क्षेत्र में 300 डस्टबिन लगाई जाएगी। 22 अक्टूबर से नगर निगम गरीब बस्तियों व मरीन बस्तियों में दीपक का वितरण करेगा। प्रत्येक परिवार को 11 दीपक व तेल प्रदान किया जाएगा। नगर निगम के सभी पार्षद अपने क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित घरों का चयन करेंगे। प्रत्येक घर में दीपोत्सव के दिन दीपक जलाए जाएंगे। इसके साथ में दीपोत्सव कार्यक्रम स्थल पर 5000 लीटर के 11 वाटर टैंक लगाए जाएंगे। अयोध्या से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं और आपको भी बताई जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या क्या आयोजन किया जा रहा है और क्या आयोजन कर रही है? देखिए, अयोध्या के आंतरिक सड़कों में 101 सड़कों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं दीपोत्सव के दिन। वो विषय था जो ये विश्व रिकॉर्ड पुनः बनाया जाएगा 5,51,000 दीपक का। उसमें भी कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, कोई भी स्थल अछूता ना रहे, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको 22 तारीख से प्रारंभ करेंगे, ऐसी भी अपनी योजना है। नगर निगम अयोध्या जोन के लगभग सभी घरों तक हमारे पहुंचने की योजना है। जो आवारा पशु में घूम रहे हैं, आवारा पशु की जो बात है, हमारे पास 1500 पशु पहले से ही अयोध्या द्वारा जो संचालित नगर निगम द्वारा वो पशु आश्रय स्थल है वहाँ पर हैं। अभी और हम 1-2 दिन 3 दिन से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। अयोध्या में कोई भी आवारा पशु आपको नहीं मिलेगा। प्रत्येक घर में हम 11 दीपक देंगे। मैं नगरवासियों से केवल इतना अपील करता हूँ कि रामनगरी विश्व की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है और अनेक राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, अनेक देशों से लोग इस दीपोत्सव को मनाने आ रहे हैं। अयोध्या को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करें और माननीय योगी जी के सपनों की अयोध्या बनाने में सहयोग करें, यही अयोध्या वासियों से अपील है। 85 टॉयलेट दीपोत्सव स्थल के पास माँ सरयू के किनारे टाटा के बहुत अच्छे टॉयलेट लग रहे हैं। आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसकी पूरी तैयारी नगर निगम कर रहा है। पीने के पानी के हमारे जितने जलकल विभाग के कर्मचारी लगे, सभी टैंकर लगे हैं और भी पानी हम लोग हैंडपंप लगा रहे हैं, स्टैंड। मगरमच्छ दिखने से दहशत में ग्रामीण। जनपद मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के नोसीमर व सहरोज गांव में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब गांव में स्थित छोटी सरयू नदी में मगरमच्छ दिखा। मगरमच्छ की सूचना पर गांव के लोग देखने के लिए नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। वहीं मगरमच्छ सुनकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई है। समाचार भेजने तक मगरमच्छ पकड़ा नहीं जा सका था। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रभुनाथ पांडे का कहना था कि प्रभारी निदेशक को यहां के लोगों ने टेलीफोन कर कोपागंज के नोसेमर व सहरोज गाँव में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना दी थी। सूचना की जानकारी के बाद प्रभारी निदेशक के आदेश पर मैं मौके पर पहुँचा। मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मगरमच्छ कभी पानी में दिखाई दे रहा है तो कभी अंदर चला जा रहा है। किनारे पर आते ही पकड़ लिया जाएगा। ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं है। जनपद मऊ से धीरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं सर प्रभुनाथ पांडे, आप किस पद पर हैं? क्षेत्रीय वन अधिकारी घोसी। सर क्या मामला है? प्रभारी निदेशक महोदय को टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नौसेमर और सरोज के बीच में मगरमच्छ आ गया नदी में। तत्काल मुझको निर्देशित किया गया, मैं तत्काल यहाँ मौके पर पहुंच गया हूँ और उसकी देखभाल कर रहा हूँ। नदी में जो है कभी दिखाई दे रहा है, कभी डूब जा रहा है। सर इसके लिए क्या आपके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? जब तक उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग लगे हैं, साथ में रहेंगे
और नदी के किनारे जैसे ही मतलब जमीन पर आ जाता है तो हम उसको पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। क्या यहाँ के गांव के लोगों में कोई भय भी व्याप्त? नहीं, हम उनके साथ हैं, गांव के जनता के साथ हैं हम।